गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को, मेघावी बच्चों को बुलडोजर तले रौंदा गया है एनडीए सरकार के द्वारा। विरोध प्रदर्शन जो है एनटीए जो है और शिक्षा मंत्री, एनटीए और शिक्षा मंत्री ने 600 से 720 के बीच में जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता है, जो घोटाला किया है 30,000 बच्चा जो बीच में घुसा है, डिबेट करे। आगे बात नहीं मानी तो 27 तारीख को हम लोग संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से युवा विरोधी, छात्र विरोधी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम इनकम टैक्स चौराहा के पास है, जो कि जिस तरह से नीट का एक पेपर लीक हुआ है उसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आज कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला गया है, लेकिन यहां पे देखने को दिलचस्प हो रहा है कि लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं, सर क्यों सड़क पर आज उतर गए? विरोध प्रदर्शन जो है एनटीए जो है और शिक्षा मंत्री, एनटीए और शिक्षा मंत्री ने 600 से 720 के बीच में जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता है उसमें 28 से 30,000 बच्चों का घपला किया है, उसमें बीच में पैसा लेके घुसाया है, जिसको ये उसको चिन्हित करके हटा दे या रीनीट ले, अगर नहीं लेगा तो प्रदर्शन जारी रहेगा देश। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम तो जांच कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जांच क्या कर रहा है? सबसे बड़ा पोल उसका जो खुल रहा है कि आज के डेट में जो 24,000 फॉर्म भराया एनटीओ को क्यों नहीं पूछ रहा है, वो 24,000 फॉर्म कौन सा है 9 तारीख वाला? दूसरी बात, ये एकाएक जो है रैंक बढ़ना, आखिर ये शिक्षा मंत्री एनटीओ को क्यों नहीं पूछ रहा है? और ये उसको उससे पैसा लिया है इलेक्शन में, और ये करोड़ों का घोटाला है। अगर आपकी बात नहीं, करोड़ों का घोटाला है ये, और इस पैसा से एनडीए बीजेपी के लोग चुनाव लड़े हैं। गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को, मेघावी बच्चों को बुलडोजर तले रौंदा गया है एनडीए सरकार के द्वारा, जिसको हम कांग्रेसी कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हालत में रीनीट होना करना होगा। नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी जो अच्छा काम, नरेंद्र मोदी मन की बात करता है ना, अगर पावर है तो परीक्षार्थी की बात करे, जा रहा होगा आपके माध्यम से उसको, पावर है तो परीक्षार्थी की बात करे, जो घोटाला किया है 30,000 बच्चा जो बीच में घुसा है, डिबेट करे। ठीक है, डिबेट करेंगे, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है लोग तो काफी आक्रोश हैं। जी 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 जी, पूरे 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 अगर इसके बाद नहीं मानी जाती तो क्या कीजिएगा? पूरे देश में बंदी होगा, पूरा देश में बंदी कीजिए, बंदी होगा, पूरे देश में बंदी होगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ एक नौजवान है, उनसे भी, क्यों सर, क्यों आप लोग सड़क उतर गए? जिस तरीके से युवाओं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी जास्ती कर रही है, लगातार देखिए आप परीक्षाओं में जिस तरीके से धांधली हो रहा है, आज उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है पटना के सड़कों पर उतरी है। अगर आगे आपकी कार्रवाई नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाती है, आगे बात नहीं मानी तो 27 तारीख को हम लोग संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से युवा विरोधी, छात्र विरोधी है, तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी युवाओं के हित में लगातार संघर्ष करेगी। तो आपने सुना कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो 27 तारीख को सांसद को घेराव करेंगे और आगे भी इस कार्रवाई करेंगे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।